चैनल आज हम इंग्लिश वर्कबुक रेनबो क्लास 5 लेसन नंबर 11 द सन एंड द विंड करेंगे। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है रीड द लेसन द सन एंड द विंड केयरफुली एंड राइट हु सेड दीज स्टेटमेंट्स टू हूम। हमें द सन एंड द विंड लेसन केयरफुली पढ़ना है और फिर उसके बाद इनको आंसर करना है कि किसने किसको कहा। एग्जाम्पल के तौर पे आई एम फाइन थैंक यू द सन सेड टू द विंड। आई एम फाइन थैंक यू किसने कहा था और किसको कहा था, तो द सन ने कहा था विंड को। द सन सेड टू द विंड लेट्स हैव अ बेड टुडे ये किसने कहा था, विंड ने कहा था सन को। सो विंड सेड टू सन हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे ये इसने मैन ने कहा था अपने आप से। जब हवा बहुत तेज हो रही थी तब उसने कहा कि आज कितनी तेज हवा है। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर ये किसने कहा था, सन ने कहा था विंड से। सन सेड टू विंड I must take off my coat. Man said to himself. Man ने कहा अपने आप से कि मुझे अपना कोट उतार देना चाहिए। Congratulations, dear. You are indeed stronger than me. ये किसने कहा था? Wind ने कहा था sun को। अब next exercise करते हैं। Choose the correct option and complete the following sentences. Write them in a given space. The sun was क्या कर रहा था sun? शाइनिंग कर रहा था, क्राइंग कर रहा था, लाफिंग कर रहा था या रेसिंग कर रहा था, वो शाइन कर रहा था। तो हम इसको पूरे सेंटेंस को एक साथ लिखेंगे द सन वॉज शाइनिंग। अ मैन वॉज वॉकिंग डाउन द रोड अप द रोड नियर द रोड या बिसाइड द रोड। मैन कहाँ पे वॉक कर रहा था, डाउन द रोड। अ मैन वॉज वॉकिंग डाउन द रोड। द मैन वॉज वेयरिंग अ कोट अ जीन्स अ शॉल अ कुर्ता। क्या पहन रखा था मैन ने, क्या कोट पहन रखा था या जीन्स शॉल या कुर्ता, तो उसने कोट पहना था। द मैन वॉज वेयरिंग अ कोट। द सन एंड द विंड मेट ऑन द कहाँ मिले थे वो, सन और विंड पार्क में मिले थे, विलेज में मिले थे, हिल टॉप पे मिले थे या गार्डन में मिले थे, वो हिल टॉप पे मिले थे। हम लिखेंगे द सन एंड द विंड मेट ऑन द हिल टॉप। द सन हैज क्या, सन ने क्या किया, क्या हो गया वो, वैनिश हो गया, लॉस्ट हो गया, गिव अप उसने कर दिया या फिर वन जीत गया वो, तो जो सूरज था वो जीत चुका था, तो द सन हैज वन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। एड ईआर टू एन एडजेक्टिव टू मेक कंपैरेटिव डिग्री एड ईएसटी टू एडजेक्टिव टू मेक सुपरलेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री वो होती है जिसमें दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है, सुपरलेटिव डिग्री होती है जिसमें दो से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन होता है। तो जिसमें दो से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन हो उसमें ईएसटी लगाना है और जिसमें दो चीज़ों में हो उसमें आपको ईआर लगाना है। सो आपको ये फिर इन द ब्लैंक्स करने उसी के अंदर। जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर तो सारे महीनों में कंपैरिजन हो रहा है तो इसलिए ईएसटी आएगा, इसलिए हम इस पर करेंगे हॉटेस्ट और यहाँ पर लिखेंगे जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। निकिता इज टॉलर देन शीना निकिता और शीना में कंपैरिजन हो रहा है इसलिए ईआर आएगा तो टॉलर लगा दिया हमने। शालू इज़ द फास्टेस्ट रेसर इन हर स्कूल दो से ज़्यादा लोग हैं पूरे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं इसलिए फास्टेस्ट आ गया। अ लायन इज स्ट्रॉन्गर देन अ डॉग डॉग और लायन के बीच में कंपैरिजन है दो लोग हैं तो इसलिए स्ट्रॉन्गर ईआर लगा दिया। द सन इज ब्राइटर देन द मून सन और मून के बीच में कंपैरिजन है फिर से दो हैं इसलिए ईआर ब्राइटर। टीना इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हर स्कूल बेस्ट पूरे स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं इसलिए दो से ज़्यादा के लोगों के बीच में कंपैरिजन है इसलिए बेस्ट आ गया। अ रेड इज स्मॉलर देन द एलिफेंट रेड और एलिफेंट के बीच में कंपैरिजन है और इसलिए इसमें ईआर लग गया। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। राइट द अपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स इन द गिवन स्पेस ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनका आपको अपोजिट लिखना है। अपोजिट मतलब उल्टा लिखना है। स्ट्रांग का क्या हो सकता है, स्ट्रांग मतलब ताकतवर, उसका क्या कमज़ोर, कमज़ोर को इंग्लिश में कहते हैं वीक स्ट्रांग वीक। एबल इनकैपेबल या डिसेबल। रिमूव पुट ऑन हार्ड सॉफ्ट टाइट लूज ब्राइट डल या डार्क। तो स्ट्रांग मतलब ताकतवर, वीक का मतलब कमज़ोर, एबल का मतलब किसी चीज़ के लिए योग्य होना, इनकैपेबल किसी चीज़ के लिए योग्य ना होना। रिमूव किसी को हटाना, पुट ऑन फिर से लगा देना। हार्ड मतलब कुछ कठोर, सॉफ्ट मतलब स्मूथ, टाइट बहुत वैसे और लूज ढीला, ब्राइट चमकदार, डल और डार्क इसका अपोजिट है। फिल इन द मिसिंग फॉर्म्स ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब आपको जैसे हमने इस वाली एक्सरसाइज में सीखा था कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री,
इसमें भी हमें इसकी जो है उनको फिल करना है। हाई हायर हाईएस्ट, गुड बेटर बेस्ट, चीप चीपर चीपेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, ओल्ड ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये वर्ड्स से रखे हैं, इसमें से सही वर्ड हमें चुनने हैं फिर उनको भरना है। वन डे द सन एंड द विंड मेट ऑन द हिल टॉप। द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई। अ मैन वॉज वॉकिंग डाउन द रोड। ही वॉज वेयरिंग अ कोट। द विंड सेड टू द सन, टुडे लेट्स हैव अ बेट। लेट्स सी हु कैन टेक ऑफ द मैन्स कोट फर्स्ट। द सन सेड आई एम रेडी। द विंड ब्लू विद ऑल हिज माइट। द मैन हेल्ड हिज कोट टाइटली। द सन सेड नाउ लेट मी ट्राई। द सन शोन ब्राइटर एंड ब्राइटर। द मैन टुक ऑफ हिज कोट। द विंड सेड टू द सन, कांग्रेचुलेशन, यू हैव वन, यू आर इंडीड स्ट्रॉन्गर देन मी। तो इसी के साथ हमारी ये आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।